स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स उसके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं आज, जो उन फ्रेंड्स के लिए जो कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपना वीडियो। सबसे पहला है दोस्तों वेट लॉस। एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है दोस्तों बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने का। बॉइल्ड वेजिटेबल्स आर कंटेंड विथ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर एंड आर फैट फ्री एज कंपेयर्ड टू अदर वेज ऑफ कुकिंग वेजिटेबल्स, हेल्पिंग इन वेट मैनेजमेंट। मैं इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको, वजन घटाना एक बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है दोस्तों बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने का। उबली हुई सब्जियां, पानी की मात्रा, फाइबर की उच्च मात्रा और वसा रहित सब्जियों को पकाने के अन्य तरीके की तुलना में वजन घटाने में मदद करती है। उबली हुई सब्जियां, पानी की मात्रा, फाइबर की उच्च मात्रा और वसा रहित सब्जियों को पकाने के अन्य तरीकों की तुलना में वजन घटाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा फायदा ये है दोस्तों, प्रिवेंट्स एसिडिटी। बॉइलिंग वेजिटेबल्स ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, प्रिवेंट्स एसिडिटी। बॉइलिंग वेजिटेबल्स ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट इन देम इनटू देयर सिंपलर फॉर्म व्हिच आर इजीली डाइजेस्टेबल देयर बाय, lowering your risk of suffering from acidity। ये acidity ही जिनको भी तकलीफ होती है दोस्तों वो ये boiled इसमें खा सकते हैं, उनको काफ़ी सारा उनको acidity कम होने के chances होते हैं। acidity को रोकता है उबलती सब्जियाँ, इनके सरल रूप में मौजूद जटिल यौगिकों को तोड़ देती है। उबलती सब्जियां उनके सरल रूप में मौजूद जटिल यौगिकों को तोड़ देती है जो आसानी से पचने योग्य होते हैं, जिससे अम्लता से पीड़ित होने का खतरा कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स किडनी स्टोन्स एस बॉइलिंग रिमूव्स 87% ऑफ ऑक्सलेट्स कंपाउंड्स डेट प्ले अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स प्रिवेंट्स इन फूड्स कंज्यूमिंग। Boiled vegetables regularly helps in the treatment of the condition. Apart from this, adding boiled vegetables to your meals prevents kidney stones. तो दोस्तों, kidney stones आपको ना हो, किसी को ना हो, तो ज़रूर आप ये food जो है इसको continue करें। Treats and prevents kidney stones।
as boiling removes 87% of oxalates compounds that play a key role in formation of key kidney stones presence in the food consuming. Boiled vegetables regularly helps in treatment of the condition. Apart from this, adding boiled vegetables to your meals prevents kidney stones. व्यवहार करता है और गुर्दे की पथरी को रोकता है. चूंकि उबलते खाद्य पदार्थों में मौजूद 87% ऑक्सलेट्स किडनी के पत्थरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है को हटाता है. उबली हुई सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करने से स्थिति के उपचार में मदद मिलती है. इसके अलावा अपने भोजन में उबली हुई सब्जियों को शामिल करने से गुर्दे की पथरी में बचाव होता है. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. ग्लोइंग स्किन. बॉइल्ड वेजिटेबल्स दैट आर हाई इन वाटर कंटेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स प्रिवेंट्स स्किन प्रॉब्लम्स. ईटिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स स्पिनच टमाटोस बीटरूट और स्वीट पोटैटोस मेक्स योर स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग. ग्लोइंग स्किन. बॉइल्ड वेजिटेबल्स डेट आर हाई इन वाटर कंटेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स prevents skin problems. Eating boiled vegetables like carrots, spinach, tomatoes, beetroot or sweet potatoes makes your skin healthy and glowing. Damakti twacha. Ubli hui sabziyon ko jo pani ki matra में अधिक होते हैं. उबली हुई सब्जियां जो पानी के मात्रा में अधिक होती हैं एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ यौगिक त्वचा की समस्याओं को रोकती है. उबली हुई सब्जियां जैसे गाजर पालक टमाटर चुकंदर या शक्कर कंद खाने से आपकी त्वचा स्वस्थ और ग्लोइडिन बनती है. दमकती त्वचा. उबली हुई सब्जियों जो पानी की मात्रा में अधिक होती है एंटीऑक्साइड और विरोधी भड़काऊ यौगिक त्वचा की समस्याओं को रोकती है. उबली हुई सब्जियों जैसे गाजर पालक टमाटर चुकंदर या शकरकंद खाने से आपकी त्वचा स्वस्थ और ग्लोइंगिंग रहती है. ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं. और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी के काम आएगा तो मेरा वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं. थैंक यू.